एक ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में कोरोना की रोकथाम और आमजन की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। सीएम गहलोत का उद्देश्य है कि कोरोना से जनता की सुरक्षा करने के साथ प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भी बेहतर बनाया जाए। वहीं 12 जिला प्रशासन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयासों पर पानी फेरता नजर आ रहा है। जी हाँ, कोरोना काल में जहां 5 लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर भी पाबंदी है, वहीं 12 के गोरदा गांव में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें करीब 5,000 लोगों ने भाग लिया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना तो दूर, लोगों ने मास्क लगाना तक जरूरी नहीं समझा। इसके अलावा ना ही सैनिटाइजेशन यहां पर किया गया। सबसे बड़ी बात यह कि इतने लोग एक जगह जमा थे, शामियाना लगा था, लाइटिंग यहां थी, खाने पीने के इंतजाम थे, फिर भी प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी या फिर प्रशासन के अधिकारी आंख मूंद कर सोते रहे। अब मुश्किल यह है कि यदि इस भीड़ में एक भी कोरोना पॉजिटिव हुआ तो कितने लोगों की जान आफत में आ सकती है। अधिक अपडेट के लिए 12 से हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, ये किस प्रकार की धज्जियां यहां पर उड़ाई गई हैं? सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, मास्क यहां पर नहीं है, किस प्रकार से तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कितनी भीड़ एक जगह पर इकट्ठी है? प्रशासन को क्यों नहीं इसकी भनक लगी? क्या अपडेट मिल पा रही है? प्रशासन को इसकी पहले से बनन थी, पहले ही आंगन बांगन में प्रशासन ने इसको टाल दिया, वरना कभी इतनी भीड़ होती नहीं। देखिए, बहुत बड़ी लापरवाही है, कार्रवाई की भी नहीं है। जी, क्या सूचना मिल पा रही है? बहुत बड़ी लापरवाही है, क्यों नहीं प्रशासन ने इस पर ये किया? क्या रिश्वत वगैरह का यहाँ पर पूरा मामला रहा? क्योंकि इतनी भीड़ एक जगह इकट्ठा होना, 5,000 के करीब ये लोग थे, कितनी बड़ी आफत बाकी लोगों की जान पर आ सकती है अगर एक भी यहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीज मिला तो? मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर किसी न किसी नेता का या प्रभावशाली लोगों का दबाव है प्रशासन के ऊपर, इस मामले को देखते हुए ये बात पूरी दबाई जा रही है। बिल्कुल वीरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। देखिए, लगातार क्योंकि बहुत किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी, इतना बड़ा ये पूरा मामला यहाँ पर सामने आ गया। सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करवाया गया, तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं एवन टीवी की स्क्रीन पर, किस प्रकार से यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रखे हैं, इतनी संख्या में लोग यहाँ पर हैं, खतरा यहां पर सभी की जान पर हो सकता है। प्रशासन की गैर जिम्मेदारी यहां पर इतने सारे लोगों पर भारी पड़ सकती है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार सजग होकर फीडबैक ले रहे हैं, खुद सूबे के मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं, लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि किसी प्रकार से इस संक्रमण को कम किया जाए, रोका जाए, लेकिन यहां पर इस प्रकार की धज्जियां उड़ाना बेहद निंदनीय है। और सबसे बड़ी बात, यहां पर प्रशासन की लापरवाही सामने आई। इतनी बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं, इंतजाम किए गए हैं, खाने के यहां पर इंतजाम है, लाइट्स लगी हुई है, उसके बाद भी क्या प्रशासन को भनक नहीं पड़ी?